वहीं बता दें कि राजधानी के दुष्यंत हत्याकांड मामले में अब रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में अब सामने आया है कि प्रिया और दीक्षांत ने इस वारदात की योजना 15 दिन पहले ही बना ली थी। बस ये अपना शिकार ढूंढ रहे थे। योजना बनाने के कुछ दिन के बाद ही प्रिया ने टिंडर ऐप के जरिए दुष्यंत से दोस्ती गांठ ली और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। शादीशुदा और एक बच्चे का पिता होने के बावजूद भी दुष्यंत इस शातिराना चाल को समझ नहीं पाया। बहरहाल पूरे मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 11 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। आज हम आपको दिखाएंगे वो दास्तां जो शुरू होती है सोशल साइट पे फ्रेंडशिप के जरिए, लेकिन उसका अंत बेहद दर्दनाक और भयंकर रूप में होता है। नाम जरूर सुना होगा आपने, प्रिया सेठ। शातिर महिला, कातिल हसीना, या फिर यूं कहें कि जिसके चेहरे पर पाप करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं है। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये वो प्रिया सेठ है जो करीबन कुछ सालों पहले एक एटीएम को तोड़ने के प्रयास में गिरफ्तार हुई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। सिलसिला थमा नहीं यहीं पे, उसके बाद में गिरफ्तार की गई पीटा के तहत श्यामनगर थाने में। जेल जाके आ चुकी लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आई। शुरू किया नया धंधा जल्दी पैसे कमाने के लिए, जल्दी करोड़पति बनने के लिए, ब्लैकमेलिंग का। लेकिन उसमें भी गिरफ्तार कर ली गई वैशाली नगर थाने में। जेल जाके आई लेकिन अपने पापों को सुधारने के बजाय और भी पापों में उतर गई। आखिरकार एक योजना बनाई किस प्रकार से अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किसी व्यक्ति को फंसाया जाए, उसका अपहरण किया जाए, उसके पिता से, उनके परिजनों से फिरौती मांगी जाए। इतना घृणित कार्य सोचा मन के अंदर, योजना बनाई 10 दिन पहले और झोटवाड़ा इलाके से दुष्यंत नामक व्यक्ति का अपहरण कर लिया। उससे पहले दोस्ती काटी उससे सोशल साइट पे। शादीशुदा व्यक्ति जिसका 1.5 वर्ष का बेटा भी है, वो शायद इसके जो भावनाएं थी उनको भांप नहीं पाया और इसकी बातों में आ गया। अपहरण करने के बाद में अपने नए बॉयफ्रेंड जिसका नाम दिव्यांश, उसके साथ मिलकर दर्दनाक मौत कर दी, या फिर यूं कहें कि उसकी हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर तीसरे साथी लक्ष्य के साथ उसको ठिकाने लगाया, चाकुओं से गोद कर और रस्सी से गला घोट कर उसकी हत्या के बाद में उसका शव सूटकेस में डाल के आमेर इलाके में फेंकाए। हालांकि जब ये दर्दनाक दास्तां सुनते हैं हम, तो वास्तव में हमारे रूह भी कांप उठती है, क्योंकि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया है, जिसने भी ये सुना वो स्वयं आश्चर्यचकित है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस स्त्री ने इस पूरे घृणित कार्य को अंजाम दिया, उसके चेहरे पर अभी भी एक भी शिकन नहीं है। शायद ये समाज का दूसरा रंग है, ये एक स्त्री का दूसरा रंग है। जिस भारत देश के अंदर स्त्री की पूजा होती है, उस भारत देश के अंदर ऐसी स्त्रियां होती हैं जो ऐसे घृणित कार्य को अंजाम देने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं होती। लेकिन अब फिलहाल जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका साफ कहना है कि जिस प्रकार की धाराएं हैं इस केस में लगेगी, जिस प्रकार के कागजात और दस्तावेज, जिस प्रकार के साक्ष्य एफएसएल पूछने जुटाए हैं, उनके अनुसार इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत, हमारे जयपुर की न्यायपालिका किस प्रकार का न्याय इस पूरे अनुसंधान के बाद कर पाती है, जिससे कि उस 1.5 वर्षीय जो बालक है उसके पिता की हत्या की गई है, उसको कैसे न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन सोहन मीणा के साथ सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।